नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम जानेंगे कि कला वेगुर समूह वेग का भौतिक अर्थ किस प्रकार से होता है, यानी जो इसके बारे में हमने थ्योरी पढ़ी है उनको डायग्राम की सहायता से हम कैसे समझ सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बीएससी बीएड का लेक्चर नंबर 9 है और जनरल बीएससी का लेक्चर नंबर रहेगा 3, क्वांटम फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 है। तो अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया जाएगा। ये डायग्राम जो है वो एक वेव पैकेट का है। ये वेव पैकेट चल रहा है। इस वेव पैकेट के अंदर न तो फेज वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है, न ही इसके अंदर आपको ग्रुप वेलोसिटी दिखाई दे रही है। ये सिर्फ एक मूविंग वेव पैकेट को दिखाया गया है। इसी प्रकार से कुछ और डायग्राम की सहायता से हम वेव पैकेट्स को देख सकते हैं। ये आपका दिखाई दे रहा है दूसरा डायग्राम। इसके अंदर आप देखिए कि पूरा वेव पैकेट है वो चल रहा है और कई वेव पैकेट जो है वो इस प्रकार से टाइम के रिस्पेक्ट में चलते हैं। तो यहाँ से वेव पैकेट है वो किस प्रकार से गति कर रहा है ये आपको प्रदर्शित हो रहा है। इस डायग्राम के अंदर मॉड्यूलेटेड वेव ट्रेन आपको दिखाई गई है, यानी जब हमने बात की थी कि एक वाहक तरंग जो है वो निर्देश तरंग पे मॉड्यूलेट होती है, तो एक सिंपल कला वेग जो होता है वो किस प्रकार से समूह वेग में बदल जाता है, किस प्रकार से तरंगें अध्यारोपित होकर एक समूह वेग बनाती हैं, एक वेव पैकेट का निर्माण करती हैं, इस डायग्राम में आपको यही दिखाई दे रहा है कि वेव पैकेट है वो किस प्रकार से चलता है, बहुत सारी तरंगें मिलकर किस प्रकार से समूह वेग का निर्माण। यहाँ पर आपको सिर्फ एक वेव पैकेट की मोशन दिखाई गई है। आगे हम देखेंगे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। इसमें आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक है लाल बिंदु और एक है ग्रीन पॉइंट। ग्रीन पॉइंट ऊपर की तरफ है जो ग्रुप वेलोसिटी को प्रदर्शित कर रहा है और रेड पॉइंट जो है वो फेज वेलोसिटी को प्रदर्शित कर रहा है जो सबसे आगे चल रहा है। इसी प्रकार से और डायग्राम भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 6 डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। इसमें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से है। पहला डायग्राम फेज वेलोसिटी जिसमें ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है, तो ऊपर जो ब्लू रंग का पॉइंट आपको दिखाया दे रहा है वो एक ही पॉइंट वहां पे चल रहा है। दूसरे डायग्राम के अंदर फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के अपोजिट है, तो एक रेड पॉइंट अपोजिट जा रहा है, उसके अपोजिट आपका ब्लू पॉइंट जा रहा है। तीसरे डायग्राम में फेज वेलोसिटी ज्यादा है ग्रुप वेलोसिटी से, तो रेड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो उसको ब्लू पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। चौथे डायग्राम में फेज वेलोसिटी कम है ग्रुप वेलोसिटी से, यानी ब्लू पॉइंट जो है वो रेड पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। ग्रुप वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ब्लू पॉइंट एक जगह फिक्स है और रेड पॉइंट आगे मोशन कर रहा है। छठे पॉइंट के अंदर फेज वेलोसिटी 0 है, यानी रेड पॉइंट फिक्स है और ब्लू पॉइंट वो आगे मोशन कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला ब्लैक डॉट है वो ग्रुप वेलोसिटी को प्रदर्शित कर रहा है जो आगे की तरफ जा रहा है, और नीचे वाले के अंदर जो ब्लैक पॉइंट है जो है रेड लाइन पे जो है वो फेज वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। दोनों ही समय के साथ चल रहे हैं, लेकिन ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, फेज वेलोसिटी यहाँ पर कम है, क्योंकि ऊपर वाला जो पॉइंट है वो नीचे वाले पॉइंट से ज़्यादा तेजी से चल रहा है। इसी प्रकार से और डायग्राम की सहायता भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके अंदर जो पीले रंग की लाइट है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो ब्लैक पॉइंट आगे चला जाता है जो ग्रुप वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। जाना और देखा कि किस प्रकार से ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी मोशन करती हैं और किस प्रकार से एक वेव पैकेट का निर्माण होता है और वेव पैकेट वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें।